ऋषिकेश उत्तराखंड के देहरादून जिले का एक सुंदर स्थान है और हिंदू भक्तों के लिए प्रसिद्ध यात्रा स्थलों में से एक है। ये हिमालय की तलहटी में स्थित और गढ़वाल हिमालय के प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है। ऋषिकेश कई पुराने और नवनिर्मित मंदिरों का दिल है और दुनिया के हर कोने से भक्तों को आकर्षित कर रहा है। मंदिरों के अलावा इस शहर में कई योग आश्रम हैं और इसलिए इस शहर को योग की विश्व राजधानी भी कहा जाता है। योग और ध्यान में प्रशिक्षण कक्षाएं देने वाले शहर में सर्वश्रेष्ठ के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। योग और आगे के दिव्य गतिविधियों में प्रशिक्षण के लिए कई योग और ध्यान केंद्र हैं। ये ऋषिकेश को शांति और आध्यात्मिक परमात्मा की प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम स्थान बनाता है। टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक कंपनी है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने सीएसआर गतिविधि के माध्यम से इस पवित्र शहर को और सुंदर बनाने के लिए एक नई पहल की है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड को इस प्रतिष्ठित सौंदर्यकरण कार्य के लिए ऋषिकेश में सजावटी प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से नामित किया गया था। EESL ने ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेप परियोजनाओं के माध्यम से भारत की कार्बन फुटप्रिंट, पीक एनर्जी डिमांड और बिजली के बिल को कम कर दिया है और ये दक्षिण एशिया का पहला और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा दक्षता नेता है। ऋषिकेश की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए एक विशेष जो यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की है उसने हमारे ऋषिकेश की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए हैं। आफ्टर डूइंग होल डे यू नो एडवेंचर एंड वी आर सो टायर्ड एंड देन वी केम हियर वी सेट हियर एंड सी द लाइटनिंग एंड इट वाज वेरी रिलैक्सिंग आई मीन इट वाज ब्यूटीफुल द लाइटनिंग हैज बीन सो अमेजिंग सो ब्यूटीफुल सच अ एक्सपीरियंस फॉर ऑल द पीपल हु हैव गैदर्ड हियर Around 40 countries, devotees from 40 countries have come here to experience this bliss. This has been like an awakening, like what we call Tamasoma to Jyotirgamaya. Namaste. This beautiful light, yeah, it can symbolize the light that the Indian people try to light inside the heart of everyone. It's great, it's amazing. I just saw the lights on the bridge, they're really nice. These lightings really bring out the life in it. I think it's a really good job. Hopefully there will be more and more of these lights and making this a great place. We realize the light of the bridges. Open the heart of the people here, thanks to yoga, thanks to meditation. And I think that it is a very good symbol that this light will always bright during the night over the Gange. I think it's a very beautiful symbol. The lightings in Laxman Jhula is looking very beautiful and bright, and it's attracting so many tourist people to take selfies, generating more positive vibe. It looks really nice. It's eye-catching. I like the lights. It's beautiful, as you can see. You look at the light and you say, wow. It's very beautiful. It makes the bridge special. Incredible. Brightness to the feelings for spirituality.